हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे द पेट गुरु के चैनल पे। तो आज हम आए इन मुंबई वाजिद एग्जॉटिक पेट्स पे, इन मुंबई जोगेश्वरी में। तो हेलो वाजिद, कैसे हो पहले तो बताइए। बहुत अच्छा हो शोएब भाई, और पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे लिए इतने दूर से आ जाते हैं। थैंक यू भाई, आपका ही हमको बुला रहे। तो इस वीडियो में क्या कवर करने वाले वाजिद हम लोग? मेरे पास अभी ये वीडियो में टॉकिंग बर्ड्स दिखाए गए, सारे टॉकिंग बर्ड्स दिखाए गए हैं, है ना? ठीक है, जितने भी बर्ड्स रहेंगे सब टॉकिंग एबिलिटी वाले बर्ड्स रहेंगे और फुल टेम, है ना? तो ये जो फर्स्ट आपने निकाला है कौन सी ब्रीड में? ये कॉम्बो अफ्रीकन ग्रे है। ये डीएनए करीबी फीमेल है। ओके, 5 मंथ्स की है, फुली टॉकिंग स्टार्टेड है। फुली टॉकिंग स्टार्टेड है 5 मंथ्स की, अभी मतलब छोटी बेबी है ना? चिक्की आएगा ना? नहीं, अब ये बच्चा है, मतलब अभी यंग है। यंग है, ओके। इसमें दो वैरायटीज आती है, कौन सी? कॉन्गो वगैरह? ये कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे है। कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे। कॉन्गो में क्या थोड़ा साइज यूज होता है? एक जो आता है ना अफ्रीकन ग्रे जो होता है, अफ्रीकन ग्रे होता है। एक टेमने आता है जिसका जो ये टेल होता है ना वो ग्रे होता है। ओके, और लोग साइज के हिसाब से कॉन्गो गना करते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ग्रे ग्रे होता है। ग्रे ग्रे होता है, ओके ठीक है। तो 5 मंथ्स की है ये, अभी फुल सेल्फ फीडिंग पे। वाजिद टॉकिंग वगैरह कर रही है ये? हाँ ये टॉकिंग करती है, अभी मैं इसको वीडियो दे दूंगा। अच्छा, आप पर्सनल में वीडियो दे दूंगा, दे दूंगा। और ग्रे के बच्चे चाहिए, ग्रे के बच्चे भी मिल जाएंगे। सेल्फ फीडिंग चाहिए, सेल्फ फीडिंग भी मिल जाएगा आपको। जो भी रिक्वायरमेंट है ग्रे के रिगार्डिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका फीडिंग वगैरह क्या रहता है? कॉस्टली होता है कि नॉर्मली है? नहीं, बहुत लो मेंटेनेंस बर्ड है ये। जो बर्ड होता है ना, एक छोटा बर्ड जितना खाता है ये भी ग्रेवी उतना ही खाता है, उतना ही खाता है। ओके, तो ड्राई फ्रूट उसको खिलाना पड़ता है और वेजिटेबल अच्छा देना पड़ता है। ड्राई फ्रूट वगैरह भी देना होता है? ड्राई फ्रूट वेजिटेबल ये सब खाता है, बहुत स्टॉक से खाता है। और टेमनेस इसमें बहुत अच्छी होती है, बहुत टेम है भाई। आपको दिखाता हूँ, पूरा बैक को टच करने देगा। शायद ये ग्रे जो मेरे पास है सब बैक को टच करने देगा, दूसरे ग्रे को हाथ लगाऊंगे ना चिल्लाएगा। अच्छा, अभी देखो इसको बैक को मैं पूरा कैसे टच कर रहा हूँ, टेमनेस चेक कर बिल्कुल काटेगा बेटेगा काम फोटो देखो। और इनका जो टॉकिंग एबिलिटी है वाजिद, मतलब कितनी, मतलब मिमिक्री करते ये 2000 प्लस वर्ड बात कर सकता है। हाँ, और इसकी जो ये 5 साल के बच्चे के तहत ना ब्रेन होता है। ओके, और ये बहुत स्मार्ट बर्ड है, कन्वोकेशन करता है। अच्छा, कन्वोकेशन, ये रिपीटर बर्ड नहीं है। हाँ, कन्वोकेशन करेगा, हाय बोलेगा तो हेलो बोलेगा, और इसकी बहुत सारी वीडियोस है ना। ठीक है, 60 के अंदर मैं ट्राई करूँगा। ट्राई करोगे 60 के अंदर ही दे दोगे ना भाई? ठीक है, तो ये अफ्रीकन ग्रे था जो कि टॉकिंग बर्ड था फर्स्ट, और इसके बाद भी सारे बर्ड टॉकिंग ही दिखाने वाले वाजिद। इसके बाद अगर देखो जो कोई भी अगर जैसा अफ्रीकन ग्रे की इच्छा है पालने की, थोड़ा एक मेरे पास जो पेरेंट्स है ना, बच्चे का फिंगर थोड़ा पेरेंट्स डैमेज किए थे। ओके, वो वाला फार्म का बच्चा आया है मेरे पास। ठीक है, तो बताओ। बहुत ही कम प्राइस में दे रहा हूँ, मतलब ये हॉबी पूरी करनी। तो ये बर्ड की बात कर रहे हो ना वाजिद? हाँ, ये है ना भाई। हाँ, जिसको हॉबी पूरी करना है उसके लिए मैं दिलाया हूँ ये। अच्छा, ये ग्रे की खासियत ये है कि ये देखो टेम है पूरा, बट ये है ना जी भाई, ये ग्रे की खासियत ये है कि देखो ये ग्रे ना हाथ पे नहीं बैठ पाएगा। और क्योंकि इसके नेल्स जो है ना, नेल्स नहीं है, माँ बाप ने इसके नेल्स का मतलब तोड़ दिया। ओके ओके, ठीक है, वो एग्रेसिव होता है तो ये थोड़ा कम बजट में किसी को चाहिए तो मिल जाएगा। बहुत कम बजट में दूंगा, बट जो कोई भी अगर पाल सकता है उसको उसको दोगे। और ये ब्रीडिंग कर पाएगा ये वाजिद? ये ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा, ये एज अ टेम बर्ड रखने के लिए घर में अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो 3 महीने का बेबी है और फुल फ्लाई पूरा करता है, फ्लाई पूरा करता है, कोई गड़बड़ नहीं, पैदल विदेश पूरा है पूरा। ओके भाई, ओके ठीक है। ओके, तो वाजिद अभी हम नेक्स्ट बर्ड देख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी टॉकिंग बर्ड में आएंगे? ये भी टॉकिंग स्पीशीज ही है। हाँ, उसको स्वेंसन लॉरी बोलते हैं। आप देखोगे कितना प्रिटी कलर में है। ओके, और ये बहुत अच्छा टेम्ड होता है, बहुत ज़्यादा प्लेफुल होता है और इतना ज़्यादा मस्ती करता है जिसके आदमी। और टॉकिंग मतलब कितना कर लेता है? ये मीठी वॉइस में बात करता है, मीठी। हाँ, ये अच्छी जैसी बात कर लेता है। अगर जो कोई भी अगर जिसको अगर इसका एग्जाम्पल देखना टॉकिंग का, या तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं इसका टॉकिंग का वीडियोस भेज दोगे। तो ये डीएनए वगैरह हो चुका है इनका? हाँ, डीएनए फीमेल है, दोनों फीमेल है। मेल फीमेल पैर ब्रीडिंग कर सब मिल जाएगा लॉरीज में। हाँ, आपसे रिक्वायरमेंट बताइए, आपको सब अवेलेबल करा देंगे। फिलहाल ये अभी दो फीमेल है, अगर किसी को इसमें मेल फीमेल चाहिए तो वो भी अवेलेबल, वो सब मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा ना। तो एज भी मिल जाएगा। एज वगैरह क्या है इनकी? इनकी एज है अभी 6 मंथ्स है। 6 मंथ के, तो इनका कुछ फीडिंग का अलग वगैरह होता है? मैंने देखा है ये तो फ्रूट्स खाते हैं, और जैसे कि आपने क्या पपाया रखा हुआ? पपाया है, बॉइल्ड कॉर्न हो गया, इसका लॉरी नेक्टर हो गया। अच्छा, खाली इनको सीड्स नहीं डालना होता है? सीड्स भी खाता है। खाता है? हां खाता है सीड्स, बड़ा होने पे खाते हैं थोड़ा क्वांटिटी, 10% सीड्स देते बस। ओके ओके, तो नेक्टर वगैरह जो इनका आता है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है ना? हो जाता है, इजीली मिल जाता है। ठीक है,
और इनकी मेन बात तो ये कि प्राइसिंग वगैरह क्या रहती है वाली की? इनकी प्राइसिंग जो है 20,000 ईच है, 20,000 फॉर ईच बर्ड है ना। तो अभी ऊपर गया इनका रेट? इनका रेट वही स्टेबल ही रखा हूँ, स्टेबल ही रखा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो किसी को भी अगर ये बर्ड्स पसंद आया तो वाजिद से कांटेक्ट करना। लॉरी में कौन सी मेडिसिन बताया आपने वाजिद? ये स्वेंसल लॉरी है। स्वेंसल, ओके ठीक है। तो इसके बाद और कौन से बर्ड्स हैं जो टॉकिंग में आते हैं? ब्रीडिंग पेयर में मॉन्क है, ओके देखिए आप यहाँ पे जी। तो आपने बताया ब्रीडिंग पेयर है जो कि मॉन्क में आते हैं। हाँ, ये मॉन्क टारगेट है, ये टॉकिंग बर्ड में आ जाता है। ये सबसे स्मॉल बर्ड्स में टॉकिंग मीडियम रेंज बर्ड है, मीडियम रेंज, ओके। ये ब्लैक माव है, ब्लैक माव, हाँ ये फीमेल है, अडल्ट फीमेल है। और उसके साथ देखो ब्लू वाला है ना, वो मेल है, ओके। थोड़ा एग्रेसिव है क्योंकि अभी ब्रीडिंग पेयर है इसके लिए। मॉन्क एग्रेसिव है बहुत ज्यादा, अच्छा ब्रीडिंग पेयर है इस वजह से एग्रेसिव है, ओके। तो एज वगैरह क्या होगी इनकी? इनकी एज है अभी 3 इयर्स, मतलब नहीं 3 इयर्स है, 3 इयर्स प्रूवन पेयर है, ठीक है। तो पहले भी ब्रीड कर चुके हैं ना ये पेयर्स, ओके। तो वाजिद आपके पास कोई ब्रीडिंग पेयर लेता है तो उसको मतलब श्योरिटी मिल जाती है ना कि 100% ब्रीडिंग करेगी? मैं श्योरिटी किसी से देता हूँ, अगर मेरे पास कंफर्म ब्रीड करा तो मैं उसकी वीडियो दे देता हूँ, ओके। या फिर डीएनए, ओल्ड डीएनए दे देता हूँ। अगर जिसको कोई बोलता है फ्रेश पर्ची तो मैं जो है जेन्युइनली बता के दोगे, जो ऐसा फेक मैं बेचता नहीं हूँ पेयर जी भाई, ठीक है। तो ये ब्रीडिंग पेयर है, तो ब्रीडिंग पेयर क्या प्राइसिंग वगैरह में आ जाता है इनका? ये आपको 32,000 आएगा। 32,000 में मेल फीमेल दोनों ना? मेल पेयर आ जाएगा, पेयर आ जाएगा, ब्लैक माओ क्रॉस ब्लू मॉन्क। और ये टॉकिंग करते हैं ना भाई? ये वाइल्ड बर्ड है, ये टॉकिंग नहीं करता, टॉकिंग टेम वाला करेगा, टेम वाला टॉकिंग करेगा, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। तो अभी हम मॉन्क दिखा रहे हैं जो कि ये हैंड फीडिंग में आते हैं। ये हैंड फीडिंग मॉन्क है, हैंड फीडिंग में मतलब चीक से। अभी जो हमने पेरेंट्स दिखाए थे ठीक है, वही ब्रीड में है ना ये मतलब ये मॉन्क के पेरेंट्स नहीं थे वो, मतलब उसी ब्रीड के है, मॉन्क पैरेट है, ब्लू मॉन्क पैरेट है, ये ब्लू मॉन्क पैरेट है, फुल टेम बच्चे हैं। और ये सेल्फ फीडिंग स्टार्टेड है, मतलब टाइम जाएगा 25 डेज जाएगा, 25 डेज में सेल्फ फीडिंग पे आ जाएगा। 3 टाइम अभी हैंड फीड कर रहा है, 3 टाइम पे, ओके ठीक है। तो कितने महीने के रहेगा अभी ये? 2 महीने के आसपास, 2 महीने के। हाँ तो इनको टॉकिंग वगैरह सिखाएंगे तो वाजिद टॉकिंग करता है? हाँ स्मॉल बर्ड में टॉकिंग करते हैं, हाँ वो मॉन्क का वही सेम वैसी मॉन्क है, बात करने में ठीक है। तो ये बच्चे वगैरह का क्या प्राइस हो जाता है वाजी इसमें? ये बेबीज का मैं ना 14,000 पीस पैर दे रहा, सिंगल पीस फॉर 14,000 ये साइज का। हाँ जैसा साइज बढ़ेगा वैसा प्राइस भी बढ़ेगा, वरना सेल्फ फीडिंग का अलग भाव है, हैंड फीडिंग का अलग है। ये ऑलमोस्ट सेल्फ होने वाले हैं, ऑलमोस्ट सेल्फ हो जाएंगे और क्लोज रिंग बर्ड है, क्लोज रिंग, ठीक है भाई। तो जिस किसी को भी टॉकिंग बर्ड्स में कोई भी बर्ड अच्छा लगा हो तो वाजिद से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना वाजिद, ठीक है। ये जो सारी वैरायटीज हमने दिखा दी जो कि टॉकिंग में, और भी बहुत सारी वैरायटीज आती है, आपको जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट बताइए, मैं अवेलेबल करा देता हूँ, ओके भाई ठीक है। तो ठीक है वाजिद, तो ये वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं, इसके बाद हम कुछ स्मॉल बर्ड्स में बताएंगे जो मिड रेंज में होते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो टिल देन थैंक यू, ओके वाजिद बाय।